जय हो श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और परलोक काल में भी व्याकुल नहीं होते। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर धारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब के गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अब प्रकाश कर्तव्य और कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ ये सब ही उत्पन्न होती हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल और दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं तथा तमोगुण के बढ़ने पर निद्रा प्रमाद और अलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों में से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष
किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के दृष्टि स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वह जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ग स्वर्ण में भी समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझ को निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्र श्री कृष्ण समाज गुण त्रय भाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जो भी इस गीता का पाठ सुन रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ को अपने घर में, जो आपके बुजुर्ग हों, चल फिर ना सकते हों या बीमार हों, लाचार हों, उनको सुनाएं, ताकि वो लाभ प्राप्त कर सकें। जय हो श्री कृष्ण भगवान।